हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और यहां पे काफ़ी अच्छा खासा एक मौका मिला है कि मैं पुष्पेंद्र जी के साथ यहां पे बैठा हूं और थोड़ा सा हम मार्केट के ऊपर यहां पे चर्चा करते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी रैली चल रही है और इनफैक्ट 44,000 प्लस समथिंग गया है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि क्या ये 50 तोड़ेगा, दूसरी चीज़ है कि क्या यह 1 लाख तक पहुँचेगा। देखिए, सिनेरियोस तो काफ़ी पॉजिटिव है PTC के लिए, बट अगेन एज ए TA जो हम करते हैं, एज ए एनालिस्ट या जो भी हम आपको बताते हैं, बस यही कहेंगे कि जब मार्केट काफ़ी पीक पे रहता है, ठीक है, तो पहली चीज़ तो यह है कि मेरे हिसाब से अपने प्रॉफिट को बुक करते रहो, क्योंकि हमारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे 69 पे हुआ था। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं थोड़ा सा पुष्पेंद्र जी से पूछता हूँ कि व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग, कि क्या लेवल हो सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ अभी देखा है कि आज मेरे ख्याल से 6 बजे के आसपास शायद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था, नहीं 42,800 के आसपास है था ना शायद, हाँ 42,800 के आसपास एक कुछ छोटा मोटा में डंप देखने को मिला, बट स्टिल ये रिकवर्ड कर चुका है 43,500 समथिंग अभी चला। तो क्या लग रहा है, मतलब क्या कर सकते हैं इसके अंदर? देखो, अभी क्या है कि जो मुझे लगता है, जैसे अभी हमने साथ में बहुत सारे इवेंट करे हैं, बहुत सारे इवेंट देखे हैं और उसके अंदर हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, तो वो भी लोग क्या कि एक यहाँ पर क्या कि वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सोच रहे हैं, क्योंकि जब जनवरी के अंदर क्या ETF के बहुत सारे अप्रूवल होने हैं, और अगर ETF के क्या कि 2-3 बड़े ETF अप्रूव हो गए तो हो सकता है कि बिटकॉइन 50, 55, 60 एक ही झटके में क्रॉस कर दे। अभी भी आप देखोगे कि रैली यहाँ पर कंटिन्यू चली रही है, छोटे मोटे करेक्शन जैसे अभी $500 का करेक्शन, $700 का करेक्शन, ये तो बहुत नॉर्मल है, बट अभी हम इसको क्या कि एक तरीके से प्री बिटकॉइन हाफिंग और पोस्ट बिटकॉइन हाफिंग के हिसाब से हम इसको देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि बिटकॉइन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहा है, छोटे मोटे करेक्शन हाँ हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर बिटकॉइन 42 तक आ जाए, 41 तक आ जाए, बट यहाँ पर अभी हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे 20 वाला सिनेरियो या 25 वाला सिनेरियो, क्योंकि मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो यहाँ पर क्या है कि अपनी मनी लेके बैठे हुए हैं कि कब यहाँ पर क्या है कि मौका मिले और कब यहाँ पर हम एंटर हों। आ जाओ, राशिद भाई भी आ गए हैं, तो आप भी यहाँ पे एक चेयर लगा लो अपनी, आ जाओ, हमारा सेशन चल रहा है, आ जाओ आप भी, आ जाओ जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि वेल्स की एंट्री हो रही है, अब आप देखो एक वेल्स हमारे सामने, तो राशिद भाई अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मार्केट के बारे में, मार्केट के अंदर अभी चल क्या रहा है और क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे। अभी जो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के प्राइस देख रहे हैं हम 44,000 के आसपास यहाँ पर चल रहे हैं, 43,500, 600 और अभी थोड़ा सा यहाँ पर डप भी आया था लेकिन रिकवरी हो गई, तो आपका क्या मानना है यहाँ पर मार्केट को लेके, आप क्या सोच रहे हो? अभी तो जैसे हमारी कल एक वीडियो में हमने बताया था कि जो 45 से लेकर 47,000 का जो लेवल है वो बिटकॉइन का एक मेजर रेजिस्टेंस है, और जब तक इस लेवल को प्राइस ब्रेक करके होल्ड नहीं करेगा तब तक आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट आगे नहीं कर पाएंगे। और अगर आप देखोगे जब बिटकॉइन ने $30,000 के लेवल को ब्रेक किया तब से कोई बड़ी रिएक्शन अब तक मार्केट में देखने को नहीं मिली। बट यहाँ पे ना राशिद भाई, पुष्पेंद्र भाई, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट उसके अपोजिट चलता है। जब हम सोच रहे थे 40 को ये नहीं तोड़ेगा, यहाँ से पलटेगा, इसने 44 मार दिया, अब सब सोच रहे कि भाई 44 से अब ये और ऊपर जाएगा, हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत नीचे ले लें, बट अगेन मेरे हिसाब से देखिए आज जो इवेंट है उसके अंदर भी मतलब अच्छे अच्छे गए थे, जो अपना ये ब्लॉकचेन वीक जो था, अच्छे अच्छे जो कॉइन्स अपने पॉलकाडॉट की बात करें, एप्टोस की बात करें, सब आए थे, ठीक है, और वहाँ पे जो स्पीकर्स थे वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, जो भी इवेंट में आ रहे हैं सब काफ़ी एक बुलिश यहाँ पे कह रहे हैं, बट अगेन मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ क्रिप्टो, ओके, कि क्रिप्टो के अंदर जब हाइप काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, देखो हम यहाँ पे तीनों हैं, आपको एक जितने भी यूज़र्स हैं सबके एक जेन्युइन चीज़ ही बताएंगे आपको कि व्हाट यू कुड एक्सपेक्ट, कि जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप हो, जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो जाए कि भैया बाई करना है, बाई करना है, मार्केट ये कर देगा, वो कर देगा, नो इश्यू, कि मार्केट जा सकता है, ठीक है, ये 50,000 भी जा सकता है, 70,000 भी मार देगा, 1 लाख भी मार देगा, बट अगेन कि हम सब एक रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, छोटी मोटी हम निवेश करते हैं, बट आपको इसमें एक्सपेक्ट करना है कि एक करेक्शन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से देखिए हॉल्विंग से पहले जो हमने चार्ट पे देखा है कि एक प्री हॉल्विंग एक रैली आती है और एक करेक्शन आता है, तो मैं इसको एक तरह से पकड़ रहा हूँ, ये एक रैली चल रही है, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि छोटा मोटा एक करेक्शन हो जाए तो ठीक है, फिर उसके बाद से एक ऊपर की तरफ रैली आती है तो वी कुड एक्सपेक्ट मीन्स न्यू ऑल टाइम हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल
ये कह सकते हैं कि अपना कौन सा ये दिसंबर है, ऑलरेडी 16% से ऊपर किस में ग्रोथ हो चुकी है। सो मेरे हिसाब से ये लग रहा है, व्हाट यू थिंक क्या हो सकता है? अभी जैसे आपने बताया ना पहले कि सब देखो सबका यही है मेन चीज़ कि बिटकॉइन नीचे नहीं आएगा। आपने बोला ना कि मार्केट में वो चीज़ें होती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो अभी ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से करेक्शन ले सकता है। ज़्यादातर सभी की एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन मार्केट के अंदर ये चीज़ आ गई कि नया ऑल टाइम हाई लगाने वाला है बिटकॉइन। लेकिन जो वहेंस है, जो स्मार्ट प्लेयर्स है, देखिए व्हील्स तो यही चाहेंगे ना कि भाई मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा ताकि आप और हम एंट्री करें, वो अपना खाली करे, शॉर्ट करे, एक अगर आप उस वे में देख रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग तो सही है। बट मैं जो करेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक छोटी करेक्शन की बात कर रहा हूँ, पुल बैक तो थोड़ा तो मार्केट पहले डाउन आएगा, डाउन आने के बाद फिर हम उसका एक जो नया हाई है बिटकॉइन का, ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा, बट अभी जो इसने $45,000 के आसपास समथिंग हाई लगाया है उस हाई को ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ कि उससे पहले एक छोटी करेक्शन, देन उसके बाद हम देख सकते हैं। तो ये वाला जो अगर आप चार्ट भी देखोगे तो ऐसे ही पैटर्न चल रहा है, 38 से एक बार 36 के आसपास आया, फिर सीधा जंप 40, क्योंकि सब लोग 48 का मेरे ख्याल से अंदेशा लगा रहे कि शायद ये 48 टच मारे। अब वहाँ पे लोगों के SLB अटके पड़े हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे आता है तो हो सकता है कि जो एक सिनेरियो बना है मार्केट के अंदर कि 48 तक जाएगा, तो हो सकता है वहाँ से लोग सेलिंग पे प्रेशर है, शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो शॉर्ट ओपन करी हुई है उनका जो SL ट्रिगर पॉइंट है या लिक्विडेशन है उनकी 48 अराउंड है, तो हो सकता है कि 48 तक एक वीक लग जाए, भले ही प्राइस यहाँ पर बाउंस बैक होगा 46 ही आ जाए, 45 ही आ जाए, लेकिन एक वीक यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसकी कि एक वीक यहाँ पर 47-48 वाले एरिया में लग जाए। चलो ये मेरे ख्याल से हमारी वीडियो मोबाइल पे रिकॉर्ड करने की लिमिट 10 की है, 10 मिनट की है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ऑल्ट कॉइन्स जो थे पहले 90% नीचे गिरे थे, बट राइट नाउ जो भी ऑल्ट कॉइन्स एक पंप हमें देखने को मिला है, सबने मेरे ख्याल से 150-200 के आसपास लमसम पकड़ सकते हैं, अगर लास्ट 2 महीने का भी पकड़ते हैं तो 200% के आसपास ले लिया है। सो अभी ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है कि हमें यहाँ से रैली देखने को मिलेगी या ऑल्ट कॉइन्स वेट कर रहा है BTC का कुछ स्टेबल होने का? जो मुझे पर्सनली लगता है अभी, जैसे अभी बिटकॉइन है तो बिटकॉइन एक थोड़ा साइडवेज में जहाँ जाने लगा, जैसे क्या कि बहुत टाइम हमारे अपने देखा 38 के आसपास स्टे किया, ऐसे ही अगर यहाँ पर हमें 47-48 वाला यहाँ पर सीन देखने को मिल जाता है फिर हम ऑल टाइम हाई के भी बहुत करीब पहुँच जाएंगे लगभग, और फिर यहाँ पर क्या कि सिनेरियो पूरा बुलिश का बनने लगेगा, और मार्केट के अंदर जैसे मार्केट कैप बढ़ रही है और भी मार्केट कैप बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें एक मिनी ऑल्ट सीजन, क्योंकि एक मिनी तो छोटा मोटा मिनी तो हमने अभी देख लिया, कई सारे ऑल्ट कॉइन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, लेकिन एक जो एक रैली होती है ना ऑल्ट वाली, सारे ऑल्ट पंप हो रहे हैं, वो सिनेरियो देख सकते हैं। बाकी जल्दी से राशिद भाई एक पॉइंट आप भी अपना दे दो, क्योंकि फिर बिल्कुल अभी क्या है जो जब तक बिटकॉइन मूव कर रहा है एक अच्छी जो अभी तक रैली देखी है उसके अकॉर्डिंगली हमें ओल्ड कॉइन्स में वो ग्रोथ देखने को अभी तक नहीं मिली। जब बिटकॉइन स्टेबल होगा और ये स्टेबल इस तरीके से होगा, कंसोलिडेट होगा एक रेंज के अंदर, सपोर्ट बनाना चाहिए, सपोर्ट बनाना चाहिए, 40 बेशक 42 से लेके 44 के बीच में हो या 40 से लेके 44 के बीच में हो, जब बिटकॉइन वो अपना सपोर्ट बनाएगा और एक लेवल के अंदर 2-5 दिन एक हफ्ते तक एक रेंज के अंदर मूव करेगा, उस टाइम पे ओल्ड कॉइन्स के अंदर एक अच्छी रैली फिर हम देख सकते हैं, और वो रैली विदिन ए वीक के अंदर 20-50-100% भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज या जो एक्सपेक्टेशन है मेरी उसके अकॉर्डिंग। तो लास्ट लाइन आप क्या जोड़ना चाहोगे इसके अंदर अभी, ये खत्म होने वाला है? बट लॉन्ग टर्म का प्लान करो अगर मार्केट के अंदर हो, और बीच बीच में प्रॉफिट लेना ना भूलो, बस यही ऐड करना चाहूंगा। ऑल्ट कॉइन्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है कि नहीं करना है? देखो जो अच्छे जैसे इथेरियम है, जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलो, बाकी कुछ के साथ में आप ऐसा करो जहाँ आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है एग्जिट मारो उनके साथ में, क्या कि ऐसी बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म की होल्डिंग मत रखो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रखा और बाइनेंस ने उसको डीलिस्ट कर दिया, क्योंकि मजबूत प्रोजेक्ट्स जो है बहुत कम है मार्केट के अंदर अभी। तो देखो एक रैली जब आती है तो आप कोई भी पकड़ लो, शिटकॉइन कुछ भी पकड़ लो, सब उछलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से जो मजबूत कॉइन्स है लेयर टू सॉल्यूशंस वाले हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, प्लस AI वाले हैं, Web3 जो इलॉन मस्क ने भी कुछ डाला था कि Web3 के ऊपर, तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करो तो वहाँ पे हमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये बस सेशन यहाँ पे ख़त्म कर दे क्योंकि टाइम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और कल हो सकता है तो वापस हम कोशिश करेंगे कुछ एक सेशन करेंगे और कुछ भी मार्केट के अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय 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 बाय।